पोद्दारेश्वर राम मंदिर में हर वर्ष श्री राम जयंती के पर्व पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ झांकियां निकाली जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन किए जाने से इस वर्ष कोई भी झांकी नहीं निकाली जा रही। श्रद्धालु दूर से ही श्री राम जी को वंदन कर अपने घर वापिस जा रहे हैं। इस समय में इनबीसीएन की टीम है पोद्दारेश्वर राम मंदिर के पास में। ये वही पोद्दारेश्वर का राम मंदिर है जहां पे प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ राम नवमी की जयंती जो है मनाई जा रही थी, मगर कोरोना वायरस को लेकर लोग अपने घरों में क्वारंटाइन हो चुके हैं और ऐसे में आज राम का जन्मदिन है, प्रभु श्री राम जी का जन्मदिन मनाने के लिए यूं तो यहाँ पे इतना सैलाब उमड़ पड़ता है कि पांव रखने के लिए भी जगह नहीं होती, कई झांकियां होती है और सुबह से लेकर रात तक के कई विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, मगर आपकी बार ये ऐसा नहीं हो रहा। इसकी वजह है कि कोरोना वायरस की दहशत इतनी है कि सरकार ने इसके ऊपर में लॉकडाउन कर चुके हैं और लोग अपने घरों में बैठना पसंद कर रहे हैं, जिसके वजह से इस वर्ष ये जयंती नहीं मनाई जा रही है। फिर भी यहाँ एक स्लोगन लिखा है, कोरोना वायरस का अंत करो राम जी, इस प्रकार का यह नाम लिखा है। यहाँ पे रंगोली से सुशोभित किया गया है, ये वही गेट है जिस गेट के ऊपर में लोग आए, लोगों ने अपना माथा टेके, वहाँ पे लोगों ने वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ कुछ फल और फूल भी वहाँ पे अर्पण किए हैं श्री रामचंद्र जी को, अगरबत्ती लगाई गई है, धूप लगाई गई है, उसके बावजूद ये जो गेट है पूरी तरह से बंद है। कहने का मतलब है मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या हो फिर बुद्ध विहार, हर कोई आदेश का पालन करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी जो पूरे विश्व को अपने आगोश में लेके मौत की नींद सुला देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसकी रोकथाम तभी हो सकती जब लोग दूर दूर रहे, इस प्रकार का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने दिया है। आप पीछे में थोड़ा सा पैन करके देख सकते हैं कि लोग कुछ अंतर पे यहाँ पे है, आए हुए हैं, दूर दूर खड़े हैं। चले उनसे में बात करेंगे। सर ये बताइए कि आज आप यहाँ पे दर्शन करने लिए कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पिछले 50 साल से यहाँ आ रहा हूँ, कंटिन्यू 50 साल हो गए मुझको आते आते भगवान के दर्शन करने को। यहाँ पे भी मैंने आपकी सब ये बातें सुनी है और अच्छा लग रहा है, भगवान के पर नहीं है तो भगवान का यही माथा टेक के अच्छा लग रहा है, मन खुश है, ईश्वर आनंदित करके रखा मन को। जय श्री राम। मैं बीजीएन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि ये लोग आए हैं इतने बंद माहौल में भी, और राम उत्सव की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। कोरोना के चलते यहाँ पूरा सब सन्नाटा छाया हुआ है, नहीं तो यहाँ एक समय ऐसा था कि कभी भी पैर रखने की जगह नहीं रहती थी, सैकड़ों में झांकियाँ और हजारों में लोग रहते थे। फिर भी हम सभी लोग यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वार बंद होने के बावजूद भी उनसे अर्जी लगाने आए हैं कि जल्द से जल्द कोरोना को दूर करें। बिल्कुल, इस प्रकार की अर्जी लोग लगाने के लिए आए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस भी पूरी तरह से यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो और यहाँ कोई भीड़ भाड़ दिखाई नहीं दे रही है, सन्नाटा सा है। और ये जो मंदिर का ये मुख्य द्वार जो है अभी भी बंद है, अब ये कब खुलेगा ये तो पता नहीं, मगर इतनी बात तो तय है कि लोगों के दिल में राम है और लोग अपने घरों से ही वंदन करते हुए नजर आ रहे हैं और हर कोई कोरोना वायरस को, इस दुनिया से, इस महामारी को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, इस दुनिया से, भारतवर्ष से बाहर निकालने के लिए लोग अब भगवान का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और इस प्रकार की लोग जयंती भी मना रहे हैं। दिल में हो श्रद्धा तो हर कुछ संभव है, दिल में हो श्रद्धा तो हर कुछ संभव है, बशर्ते हमें कामकाज करना होगा और हमें हमारे घर में ही रहना होगा, तब कई कोरोना वायरस को दूर भगा सकते हैं। और आज जिस प्रकार से ये पोद्दारेश्वर राम मंदिर में प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो जयंती का कार्यक्रम, भले ही यहाँ पे भगत ना हो, मंदिर के कुछ पुजारी है, उन्होंने आरती वार पूजा अर्चना की है और लोगों के लिए दरवाजा बंद है, लोग दिल से यहाँ पे वंदन करते हुए, नमन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और इसी तरह से कभी ना देखने वाली इस प्रकार की झांकी अब दिखाई नहीं देंगी, कभी नहीं देखे इतनी भीड़ भी अब दिखाई नहीं देंगी। और सुनी सड़कें पड़ी है, इसके वजह से लोग भी अपने घरों में है, लेकिन लोगों की आस्था प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए है और लोग उनसे यही दुआएं कर रहे हैं कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप जल्द से जल्द कोरोना वायरस को दूर दूर ले जाए, इसको कहीं भी कोई लोगों के साथ में न रखे। लोगों को भी ये अपील की जा रही है कि लोग अब अपने घरों में बैठ के भगवान का सिमरन करें। नागपुर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर से कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।